गाइस माही को इंडिपेंडेंस डे नहीं बोल रहा था, बोलना एक बार इंडिपेंडेंस। बहुत मुश्किल है, मैं बोल एक बार एक नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा प्यार, जब घायल हुआ हिमालय हो खतरे में पड़ी आजादी, जब तक जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग विधाता। मुझे याद है काम दाम फिरा राम, बस इतना याद है भाई। 15 मिनट कम है 9 बजने में, तो अब बताओ कितना हो रहा है? 9:15 नहीं पता मुझे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीकेंड माय ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस हम लोग लेके आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो। ना बाबू, और व्यंश कुछ बोल रहा है। व्यंश कुछ बोल रहा है। व्यंश देखिए, व्यंश हो चुका है 6 महीने का पूरा, और इसकी आप लोग देख सकते हैं पहले की वीडियो और अब की वीडियो, काफी फर्क आया है इसके हाइट वाइट में, वेट में, और हरकत में, हरकत में, माइंड में सारा ग्रो किया है गाइस। और गाइस जैसे जैसे मेरे बेबी ग्रो हो रहा है वैसे वैसे इसकी शरारतें बढ़ी जा रही है। और गाइस आज है 15 अगस्त ना बाबू। गाइस आज है 15 अगस्त, और जैसे कि देश आजाद हुआ था हमारा 15 अगस्त को, लेकिन हम व्यंश की आजादी छीन रहे। ये बहुत शरारती होया जा रहा है। ये देखो, ये बहुत शरारती बना जा रहा है, जिसकी वजह से इस पे पाबंदियां आज से लगाई जाएगी। अभियंश के गाइस दांत आ चुके हैं, वो भी 2 खरगोश जैसे, बिल्कुल दिखाए क्या? दिखाओ मेरे दांत, दिखा दो, ये दिखा दिखा, ये देखिए। कभी खाना खाऊंगी तो देखेंगे आप लोग कि मेरा खाना खाना कितना मुश्किल है, लड़का कर दिया 6 महीने में। सर पे रखे मन करता है तो सिरवा पे रखूं, ऐसे ही जहाँ रखती हूँ वहाँ पे पहुँच जाता है। दाना से देखता रहेगा, एक ही बार में कूदेगा आप सीधा कटोरे में थाली में। हेलो इंडिपेंडेंस डे बोल दो। इंडिपेंडेंस डे से याद आया गाइस, गाइस माही को इंडिपेंडेंस डे नहीं बोल रहा था, बोलना एक बार। नहीं बाबू, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं एक बार एक नहीं, नहीं। अच्छा बयान पाओगे शब्द बाबू? चलो बहुत लोग नहीं बोल पाते होंगे, ये बात कंफर्म है। जब मैं नहीं बोल पाती तो बहुत चलो मम्मा को बोलते हैं। मम्मा बोलना है बयान्स की मम्मा। बाबू हैप्पी 15 अगस्त। गाइस हैप्पी 15 अगस्त क्यों? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहिए ना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नहीं, सही बोला ना बाबू, हैप्पी इंडिपेंडेंस। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो अभी देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है गाइस, टाइम हो रहा है 9 बजने वाले, 9 बजने में 15 मिनट कम है, और हम लोग सो के पौने नौ की सवा नौ में हम कंफ्यूज है गाइस, पौने नौ सवा नौ में भी कंफ्यूज गाइस। अच्छा बताओ कितना हो रहा है, पौने हो रहा है कि सवा हो रहा है? सवा नौ हो रहा है कि पौने नौ हो रहा है? मैं हो जाती। चलो मैं इनको इतना बता रहा हूँ, 15 मिनट कम है 9 बजने में, तो अब बताओ कितना हो रहा है? नहीं पता मुझे, समझते हो गाइस 9:15 बता रही है भैया, 15 मिनट कम है तो 8:45 हो रहा है। 9:15 होता है कि जब 15 मिनट हो गया, 9:15 हो गया तो बोलते हैं उसको 8:45। देखो कोई चीज से एक पाव ज्यादा, हाँ तो 9:15 तो 8:45 हुआ ना, फिर एक पाव ज्यादा हुआ तो 9:15 हुआ, यानी कि पाव भर ज्यादा। पाव ये कोई दूध बेचने वाला काम नहीं है और ना ही तेल वेल बेचने वाला। क्यों गाइस ठंडा है इसलिए पकड़ नहीं रहा ठीक से, छोड़ दे रहा है। अभी देखो मुंह में लगाएगा देखना। छोड़ दिया हम नमकीन दिख गया भैया। गया नमकीन नहीं खाने देगा। गाइस आज 15 अगस्त का दिन है और माही आज सुनाने वाली है राष्ट्रगान, और मैं भी सुनाऊंगा, देखते हैं दोनों में से किसको याद है किसको नहीं, क्योंकि स्कूल गए हुए तो बहुत दिन हो गए और शायद मैं भी भूल चुका हूँ, माही भी भूल चुकी है। तो गाइस चलिए पहले इसको सुला देता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल विंध्य हिमाचल अमुनक जमुना धूलिक
नहीं गाइस ये इसको नहीं आता, ये भूल चुकी है। तो गाइस बिल्कुल ही नहीं आता भाई, पता ना इनके स्कूल में सिखाएगा भाई कि ना दिवली के दाली धत घोड़ा पानी पी हुई है, तो ओका बोका में होता है ना, ओका बोका तीन तोड़ ओका में। तुम अब सुनाओ तुम्हारे स्कूल में क्या सिखाया गया वो मुझे जानना। मेरे स्कूल में तो बहुत कुछ सिखाया, बहुत इतने राष्ट्रगान करवाया हूँ बच्चों से। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उच्चल बंगा बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता। इनको छोड़ो जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं उनसे एक बार सुनते। चलो भैया तू स्कूल में पढ़ता है ना, इधर आ जाओ। गाइस मेरा भाई ये छोटा सा वो स्कूल में पढ़ता है, यहाँ तक उसको भी नहीं आता है। जो आप पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, काम काज में लगे होंगे, बीवी बच्चे वाले होंगे, गाइस उनको बिल्कुल भी नहीं आता होगा। आप पूछ के देख लेना, जनगणना बिल्कुल भी नहीं आता होगा। और लोरी याद है बोलो तो सुनाओ। मुझे याद है काम दाम फिर आराम, बस इतना याद है गाइस, और ये तब शायद भूल चुका हूँ। बाकी फोन अभी चार्ज भी है, मिलते हैं बैटरी चार्ज करने के बाद। गाइस अभी दोपहर के एक बज चुके हैं और मैं खाना बना रही थी अभी, और यहाँ पे देखिए बाप बेटे कैसे सोए मजे से। ये देखो खाना बन चुका है, अब मैं जगाऊंगी इनको और ये खाना खाएंगे, जब तक मेरे महाराज बेटे जी सोएंगे। तो है गाइस शाम के 4 बजे और पापा बेटा सो के उठ चुके हैं और बेटे का नजर फोन पे और पतंग पे। गाइस आज 15 अगस्त है, हेलीकॉप्टर उड़ रही है और पतंग भी उड़ रही है, तो इसकी नजर ज्यादातर ऊपर है। देखो एक हेलो, देखो एक एक हेलीकॉप्टर आई। तो हेलीकॉप्टर को देख लिए व्यंश आए अभी। तो गाइस आज 15 अगस्त शुभ दिन है, तो आज एक गीत गाना चाहता हूँ और आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि माही से मैंने बोला एक राष्ट्रगान गाने को, तो उनको तो आया नहीं, तो गाइस एक राष्ट्रगीत हो जाए तो गाय राष्ट्रगीत ऐसे कुछ गाते हैं। चलिए, तो जब घायल हुआ हिमालय हो खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी, हो गए वतन पर नौछावर वो वीर थे कितने गुमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों तुम आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बस गाइस लास्ट के सॉन्ग में आए कुर्बानी, इतना ही आता है, इससे ज्यादा आता नहीं है, तो मैंने ही सुना दिया। तो गाइस आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है, हम दो कपल यानी कि कहाँ गई ये रही। तो गाइस हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, तो हमारी रियल लाइफ जो भी है हमारी लाइफ में, वो हम आप लोगों को ये ब्लॉग के जरिए दिखाते हैं। हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा कैसा रहन सहन है, तो सब कुछ दिखाते हैं। एक फ्रेंड की तरह रहते हैं हम लोग, एक कपल, एक हस्बैंड वाइफ कैसे रहते हैं कैसे नहीं, अब बाकी सब कैसे रहते हैं कैसे नहीं, लेकिन हम दोनों एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। हम दोनों बहुत मस्ती भी करते हैं और हमारा तो एक बेबी आप लोगों ने देख ही दिया है, और बस हमारी रियल लाइफ ही आप लोगों के सामने दिखाते हैं। और आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट जो आपके मन में आता है करें, लेकिन हाँ नेगेटिव कमेंट नहीं, एक पॉजिटिव कमेंट करें, ताकि हम लोग को आगे बढ़ने में और मदद मिले और भी अच्छी वीडियो मिले आगे बढ़ने का। हाँ तो गाइस हमें सपोर्ट कीजिए ताकि और आगे हम बढ़े और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाए आपको। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।